इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हलवाइयों इस की वीडियो तरह। में मैं बालूशाही की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप आटा ले लिया है, ये मैं बोल में ले लूंगी। सारे मेजरमेंट मैं इसी कप से कर रही हूँ, तो इसी कप के मेजरमेंट से मैंने 1/4 कप घी ले लिया है। इसे मैं इसमें मिला लूंगी इस तरीके से। सिर्फ हमें घी को आटे में इस तरीके से मिलाना है, गूंदना नहीं है, सिर्फ इस तरीके से मिलाना है। देख सकते हैं मैंने घी को अच्छे से मिला लिया है आटे में। इसमें अब मैं सिर्फ 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, और 1 चुटकी से भी कम थोड़ा सा मैं नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, ये इसमें मैं मिला दूंगी। तो आटे को आपको इतना मिलाना है कि इस तरीके से मुट्ठी बन जाए। अब मैंने उसी कप के हिसाब से 1/4 कप दही ली है, ये दही मीठा दही है, खट्टा नहीं है। अब दही भी मैं इसमें मिला दूंगी, और एक मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा गूंद के रेडी करूंगी। आटे को भी हमें सिर्फ मिलाना है, गूंदना नहीं है, इस तरीके से मिलाएंगे हम आटे को। तो आटे को मैंने कंबाइन कर लिया है। मैंने इसमें जो घी लिया था इसे मैंने पिघला के ठंडा करके लिया था, और दही भी इसमें जो डाला था वो ठंडा ही था। अब मैं इस पे एक कॉटन का भीगा हुआ क्लॉथ रख दूंगी। तो जब तक आटा तैयार होता है हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। उसी कप से मैंने 1 कप शक्कर ले ली है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। 2 कप पानी, हमें इसके लिए एक गाढ़ी सी चाशनी तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं चाशनी पकना शुरू हो चुकी है, हमें इसे थोड़ा गाढ़ा करना है। देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी पतली है, इसे और हमें पकाना है। इस चाशनी में अब हम 1 चुटकी इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। तो देखिए गाढ़ी, अब चाशनी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं जब मैं इसे गिरा रही हूँ तो ये धीरे से ड्रॉप की तरह गिर रही है। तो मैं स्टोव की फ्लेम बंद कर दूंगी। अब मैं इसमें शीरे में 1 ड्रॉप नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, जिस नींबू का रस डालने की वजह से यह शीरा क्रिस्टलाइज नहीं होगा। चाशनी में मैंने केसर यानी सैफरॉन भिगा के रखा था, ये ऐड कर दूंगी जाफरान, जिससे कि बालूशाही में बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। और ये थोड़ा सा असली घी मैं डाल रही हूँ, यही हलवाइयों का सीक्रेट है, ये असली घी शीरे में मिलाने की वजह से मिठाई में असली घी की खुशबू आ जाती है। अब मैं 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं आटा को खोलकर देख लेती हूँ। इसे हमें थोड़ा सा और मिलाना है इस तरीके से। हमें इस तरीके से इसको चारों तरफ से बड़ा करना है, हाथों की मदद से ही करेंगे हम। चाहें तो इसको इस तरीके से छुरी से भी काट सकते हैं। अब फिर हमें यही पदर इसके ऊपर रखनी है और फिर बड़ी करनी है इस तरीके से। यही प्रोसेस हम 5-6 बार रिपीट करेंगे। तो 5-6 बार मैंने इसी तरीके से इसको रिपीट कर लिया है प्रोसेस को। अब मैं इस तरीके से इसको फिर से आटे को 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। इसके ऊपर फिर से मैं गीला कपड़ा रख दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं आटे को रखे हुए, अब मैं इसको थोड़ा सा इवन कर दूंगी। यहाँ मैंने तेल गरम करने रख दिया है कढ़ाई में। एक बार जब तेल गरम हो जाएगा तो हम स्टोव की फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और बालूशाही को तलेंगे। मैं थोड़ी तो अभी छोटी लोया है, इस तरीके से हमें हल्के हाथों से इसे मिलाना है और बालूशाही का शेप दे देना है।
इसी तरीके से मैं सारी बालूशाही बनाकर रेडी कर दूंगी। तो बालूशाही को मैंने बनाकर रेडी कर दिया है। यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, आप देख, तो तेल गरम हो चुका है। अब मैं स्टोव की फ्लेम को लो कर दूंगी। अब मैं इन बालूशाहियों को एक बार, एक के बाद एक इसमें डाल दूंगी। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर तलना है। मैं एक साथ सारी बालूशाही डाल रही हूँ ताकि तेल का टेम्परेचर कम हो जाए। तो आप देख सकते हैं अब बालूशाही का कलर चेंज हो रहा है। हम इसे दूसरी तरफ पलटा लेंगे। बहुत ही स्लो फ्लेम पर हमें इसे तलना है और इस बात का ख्याल रखना है कि बालूशाही तेल में पूरी तरीके से डूब जाए। आप देख सकते हैं बालूशाही फूल चुकी है अच्छे से। और बालूशाही का बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी आ गया है इसमें। हम दोनों तरफ पलटा पलटा के इसे कर लेंगे। आप देख सकते हैं तेल में बबल्स आ रहे हैं। ये देखिए तेल में बबल्स आ रहे हैं। ये इसकी वजह से है कि हमने बालूशाही के आटे में जो परतें बनाई थी वो उसकी वजह से है। तो ये बबल जब खत्म होंगे तो ये अंदर से पूरी तली जा चुकेगी। तो अब बालूशाही का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम गरम गरम बालूशाही को शीरे में ऐड कर देंगे। ये शीरा थोड़ा सा वार्म है, गरम नहीं है, हॉट नहीं है मतलब। मैं शीरे को इस पे मिला देती हूँ अच्छे से। 5 मिनट के लिए मैं इसे शीरे में ही छोड़ देती हूँ। तो बनकर तैयार है बालूशाही। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे बहुत सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को। और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ।